नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत बड़ी फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। उन्होंने कहा चुनाव बजट में जिस तरह से इन दोनों को पैसा दिया है वो कुर्सी बचाने के लिए ही दिया गया है। पीएम मोदी कहते हैं कि वे अजैविक हैं, उसी तरह ये बजट अजैविक बजट है और पूरा पैसा कुर्सी बचाने के लिए उनको दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के प्रमुख हैं। दोनों ही दलों का बीजेपी से गठबंधन है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दोनों दलों की अहम भूमिका है। विपक्षी दलों का कहना है कि गठबंधन कमजोर नहीं पड़े, इसलिए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को प्रमुखता मिली है। बजट पर चर्चा के दौरान लगातार विपक्षी पार्टियों के सांसद अपने अपने राज्य को नजरअंदाज करने के आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई बड़े कदम उठाए जाने की घोषणा की गई है। इनमें राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव किया गया है। इनमें 3 एक्सप्रेसवे, 1 बिजली संयंत्र, गलियारों, नए हवाई अड्डे और खेल बुनियादी ढांचों के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में 3 सड़क संपर्क परियोजना पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर 1 अतिरिक्त 2 लेन पुल के विकास के लिए केंद्र के समर्थन की घोषणा की है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।